मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील अंतर्गत नारायणगढ़ में श्री राम स्तंभ का श्री गणेश एवं शुभारंभ के उपलक्ष्य में नगर में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें नारायणगढ़ के आसपास अंचल क्षेत्रों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय भक्तजन उपस्थित रहे। नारायणगढ़ में श्री राम स्तंभ के शुभ आरंभ पर शोभा यात्रा के दौरान अयोध्या में स्थित 16 फीट के राम मंदिर के साथ हनुमान जी, जयपुर के राधा कृष्ण की जोड़ी, 7 से 8 मनमोहक झांकियां, जिसमें महाकालेश्वर, श्री राम मंदिर, भगवान श्री राम एवं सीता जी, खाटू श्याम जी का दरबार, श्री राम स्तंभ की प्रतीक सहित अनेक आकर्षक झांकियों के साथ 2 से 3 डीजे और बैंड बाजे, नारायणगढ़ का प्रसिद्ध बजरंग व्यायाम शाला बाला कुंड का अखाड़ा, 11 ढोल रजवाड़ी, फूलों की वर्षा के लिए तो खाटू श्याम जी का दरबार के साथ राधे मित्र मंडल के द्वारा भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा सुबह 10 बजे बाला कुंड से प्रारंभ हुई, जो रामद्वारा रोड, इमली फाटक, तमोली कुई, सदर बाजार, पुरानी नगर पंचायत, भागरिया मोहल्ला, भास्कर मोहल्ला, मनासा रोड, बस स्टैंड, गांधी चौराहा, नई नगर परिषद, लालबाई फूलबाई मंदिर समेत श्रीराम मंदिर, दीवानिया मोहल्ला होते हुए सुभाष चौक श्रीराम स्तंभ तक पहुंची और शोभा यात्रा का यहां समापन हुआ। आज नारायणगढ़ की इस पावन धरा पर श्री राम टावर, राम स्तंभ का शुभारंभ लोकार्पण समारोह है और उस समारोह के अंतर्गत आज नारायणगढ़ के समग्र हिंदू समाज द्वारा मिलकर के और ये श्री राम स्तंभ की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस श्री राम स्तंभ में प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल पूरे नारायणगढ़ नगर और आसपास के 5-5 किलोमीटर तक श्री हनुमान चालीसा की धुन सुनाई जाएगी और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। जी, इसके अंतर्गत यहाँ पर अलग अलग प्रकार की झांकियाँ और राम स्तंभ का एक प्रतीक रूप चिन्ह भी चल रहा है और अखाड़ों के साथ ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मल्हारगढ़ से महेश मरेठा की रिपोर्ट।